हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सुमन की रसोई टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुबह का नाश्ता, एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। इस नाश्ता के आगे ना पूड़ी, कचौड़ी और समोसा भी भूल जाओगे जब इस तरह का अपने घर में नाश्ता बनाओगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिए हैं उबले हुए आलू। ये आधा किलो आलू थे तो ये पहले से उबाल के रखे थे हमने, इन्हें अच्छे से हमने छील लिया है। अब इस तरह से आलूओं को हमें फोड़ लेना है। सारे आलू हम फोड़ लेंगे। तो इधर आलू तो हमने फोड़ लिए हैं और इधर हम ले लेंगे मैदा। तो ये आधा किलो मैदा हमने ली है। अब यहाँ इसमें हमें आधा चम्मच भर के डाल देनी है अजवाइन। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अजवाइन और नमक को मिलाने के बाद यहाँ हम ले लेंगे बड़ी 4 चम्मच घी। घी डालने से खस्तापन आता है इस नाश्ते में, आप तेल भी डाल सकते हो। तो अच्छी तरह से मिला देंगे हम। घी तो मिला दिया है मैदा में। अब यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी ले लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं, बस थोड़ा सा ही गर्म पानी लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगा लेंगे हम। डो तो हमने लगा लिया है, देखिए डो नहीं तो ज़्यादा सख्त है, नहीं ज़्यादा मुलायम लगाया है। अब इस तरह से रख के इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे मैदा है ना अच्छे से सेट हो जाए। तो इधर आलूओं में हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ डालेंगे इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर, तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देनी है हमें। धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। अब सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें हमें मिला देना। थोड़ा अमचूर पाउडर हम डालेंगे। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हो। तो इधर हमें कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच देसी घी लगा दिया है। घी के गर्म होते ही इसमें हमें डाल देना है तड़का के लिए जीरा। थोड़ी काली मिर्ची डालेंगे 10-12 के करीब, और इन्हें दोनों चीज़ों को भुनने देंगे। उसके बाद में थोड़ी सी हींग डाल देनी है हमें इसमें। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें आलू को हमें डाल देना है और अच्छी तरह से आलूओं को हमें मिला लेना है। ये इतनी टेस्टी नाश्ता बनेगा फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से बनाओगे तो इसके आगे कचौड़ी और समोसा भी भूल जाओगे। एक बार अपने घर में ज़रूर बनाएं इस तरह से। तो आलू तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ना एक बर्तन में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो आलू को हमने ठंडा होने को रखा है। अब इधर हम देख लेंगे मैदा। तो इस तरह से थोड़ा और मस लेंगे हम मैदा को। अब इसकी इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बनानी है। लोई हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो इधर लोइयां तो हमने बना ली हैं। अब इधर चकरा ले लेंगे। चकरा पे ना इस तरह से थोड़ी सी लोई को हम बड़ा कर लेंगे। बस इतना ही बड़ा हमें करना है लोई को। और इधर हम ले लेंगे छन्नी, जो पूरी छानते हैं ना वो वाली हमें छन्नी ले लेनी है। और इस तरह से रख के इस पे दबाएंगे हम। अब इसमें स्टफिंग रखेंगे। और इस तरह से दोनों हाथों से उठा के इसे हम अच्छी तरह से बंद करेंगे। आप चाहो तो इसके ओर पास थोड़ा सा पानी लगा के भी बंद कर सकते हो, अगर आपको लगे कढ़ाई में डाल के ये थोड़ा खुल रहा है तो। अब इसी तरह से हम दूसरी बना लेंगे। इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे और इसी तरह से हमें दूसरी भी बना लेनी है। अब थोड़ा इसे भी बड़ा करेंगे, बेल के छन्नी पर रखेंगे। अब स्टफिंग रख देनी है, इसे भी दोनों हाथों से अच्छे से हमें बंद करना है। इस बात का ध्यान रखना है ना तो जो कढ़ाई में हम तलेंगे ना तो ये खुल सकती है। तो इधर हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में घी गर्म हो गया है, थोड़ा चेक करके देखेंगे हम।
अब आलू की गुजिया को हमें डाल देना है, इसे आलू की गुजिया भी आप बोल सकते हो। तो गैस को मीडियम कर देंगे हम डालते समय, और इसे नीचे से हम सिकने देंगे। उसके बाद में इसे हम पलट देंगे, हाल ही नहीं पलटना है हमें, थोड़ी देर इसे सिकने देंगे, उसके बाद में ही पलटेंगे। तो इस तरह से उलट पलट करके हमें गुजिया को सेक लेना है। तो लीजिए, गुजिया हमारी सिक चुकी है। अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे, और सारी गुजिया इसी तरह से हमें बना लेनी है। तो लीजिए, सुबह का नाश्ता बनके है तैयार। बहुत टेस्टी नाश्ता बना है। आप इसे ना धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत पसंद आएगा सभी को। ये सुबह के नाश्ता में ना जल्दबाजी में बना सकते हो, बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हो, बच्चों को ये बेहद पसंद आएगा। जो लोग समोसा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरह से आलू की गुजिया अपने घर में बनाएं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।